2020 की आगवानी के जश्न में धनबाद कोलांचल डूबा हुआ है। नए साल के पहले दिन सूर्योदय के साथ ही काफी संख्या में लोग पिकनिक स्पॉटों पर निकल पड़े। वहीं बात करें पिकनिक स्पॉट की तो अत्याधुनिक प्रदूषित शहरों में शुमार झरिया के नजदीक नॉर्थ तीसरा इलाके में है गोकुल पार्क। हवा में गैस की गंध, धुएं के गुबार, भूमिगत आग से दहकती जमीन, जलता कोयला, ऐसी ही है धनबाद के झरिया इलाके की भयावह तस्वीर। लेकिन बात करें गोकुल पार्क की तो यहाँ की आबोहवा में गैस की कड़ी गंध का एहसास नहीं होता। हवा में फूलों की महक और लहलाते पेड़ पौधे ऐसी नैसर्गिक आभा पेश करते हैं कि हर आने जाने वाले का मन यहाँ खो जाता है। अब हैरानगी की बात भी जान ले, ये पार्क कोयला खदान से निकले मलबे पर बनाया गया है। कंकड़ पत्थरों के ऊपर ऐसी हरियाली उगाई गई है जो हवा के जहर को सोख रही है। मलबे के पहाड़ पर बना गोकुल पार्क करीब 22 हेक्टेयर इलाके में फैला है। इसमें अलग अलग प्रजाति के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। वही बात करें तो इस पार्क में मंदिर का भी निर्माण किया गया है जहां प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। पार्क में सबसे ऊपर माँ काली का मंदिर है। मंदिर में पूजा पाठ के अलावे विवाह भी होता है। वहीं नए साल के मौके पर आए लोगों ने बताया कि यहाँ काफी चहल पहल रहती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। उन्होंने बताया कि हालांकि अगल बगल कोयला निकालने का काम जारी है परंतु ये जगह सुरक्षित है। आज नव वर्ष की शुभकामना पर हम लोग दोनों जोड़ी पूजा करने निकले हैं मंदिर में और यहाँ हर साल हम लोग पूजा पाठ करते हैं। खेलने के लिए बच्चे आते हैं और पिकनिक के तौर पर अभी के डेट में पिकनिक के तौर पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। रोज हजारों यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। स्कूल के बच्चे अपना आते हैं, बस से आते हैं और बीसीसीएल के जितने भी स्टाफ हैं पूरे कॉल फील्ड में आपका कोयला भवन से लेकर के यहाँ आपका कोलेरी तक आपका लेडीज हो, जेंट्स हो, जोड़े हो, बच्चे हो, अपना पिकनिक मनाते हैं। बगल में अपना खाने पीने का सब सामग्री भी अपना तैयार करते हैं। यहाँ पर सुरक्षा दृष्टिकोण से तो आउटसोर्सिंग से थोड़े अगल बगल में आउटसोर्सिंग चल रहा है लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। नीचे में जो कोयला है वो कोयला निकाल लिया गया है। इस पार्क को, इस मंदिर को कोई दिक्कत नहीं है। विशेष काली जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, जगशाला है और यह मंदिर में साल में दो बार नवरात्र किया जाता है। सालों भर श्रद्धालु आते हैं। हाँ, सालों भर श्रद्धालु हजारों के हजार में आते हैं और नवरात्र विशेष उसमें अधिक से और अधिक और ऐसे भी 1500 की संख्या में लगभग डेली आते हैं। शादी ब्याह कार्यक्रम भी होता है। शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है। पार्क हमारा 22 हेक्टेयर में फैला हुआ है ऊपर से। उसमें जो हम लोगों ने जो माइनिंग किया है उसका जो ओवरबर्डन वो भी डंप होता है उसको हम लोगों ने रिक्लेम किया प्लांटेशन करके और हम लोगों ने पार्क डेवलप किया है। और पार्क को हम लोगों ने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक जगह मंदिर है, एक जगह पार्क एरिया है और ये हमारा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे लोकल लोग आते हैं पिकनिक करने के लिए, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर वृक्ष भी है, लोकल नेटिव स्पीसीज हम लोगों ने लगाए, मेडिसिनल प्लांट्स है, तुलसी वगैरह है, वैराइटीज़ अलग अलग वैराइटीज, डाइवर्सिफाइड प्लांट्स है पूरे लगे हुए। वो सर बैठने के लिए हमारे यहाँ जो बैम्बूज हैं उनको कट करके हम लोगों ने चेयर वगैरह बनाया हुआ है जिसमें लोग आके बैठते हैं। शेड लगाया हुआ है, उसमें बिचाली का कास का झूला वूला लगाया हुआ है। सारा इको फ्रेंडली आप लोगों ने? हाँ, सारा इको फ्रेंडली है। कोई भी सिंथेटिक चीज़ों का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया हुआ है। सारा नेचुरल एंड बायोडिग्रेडेबल है।